हेलो दोस्तों, तो BASF HCM और CISF HCM मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको टाइपिंग स्पीड कम से कम समय में कैसे बढ़ाना है और टाइपिंग में आपको इंटरेस्ट कैसे जगाना है। अगर आप सॉफ्टवेयर में अभी टाइपिंग करोगे तो आपको थोड़ा वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट मतलब आपकी रुचि नहीं होगी कि सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करें। इसलिए आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको ऑनलाइन टाइपिंग करना है। ऑनलाइन टाइपिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे गूगल पर आप टाइपिंग टेस्ट वगैरह ये डाल लो, कोई भी डाल लो, ठीक है। ये मोबाइल में भी खुल जाएगा और आपका ये जो डिस्प्ले इसमें भी खुल जाएगा। मोबाइल में कीबोर्ड वगैरह कैसे जोड़ना है वो आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है और आप कीबोर्ड मोबाइल में जोड़ के ऐसे कर सकते हो। बाकी देखो, आपके ना अच्छी स्पीड के लिए आपको मिनिमम 3 अंगुलियाँ तो आपकी यूज़ होनी ही चाहिए। कोई कोई होता है तो 2 उंगली से करते हैं टाइपिंग, और कोई कोई होता है जो मतलब 1 उंगली से, लेकिन उससे होता नहीं है, वो पास नहीं कर पाएंगे वो किसी भी हालत में। 2 उंगली 1 उंगली से अगर BASF HCM की टाइपिंग फिर पास नहीं कर पाओगे, तो आपको 4 उंगलियां यूज करोगे ना तब आपकी स्पीड अच्छी आएगी। अब करना कैसे, देखो आपका इंटरेस्ट किस में जगेगा, ये ऑनलाइन करोगे ना शुरुआत में तब आपका टाइपिंग में अच्छी स्पीड होगी। कैसे, जैसे यहाँ टाइपिंग टेस्ट लिख दिया। अब कुछ छात्र ये बोलेंगे कि वहाँ तो पेपर देंगे, ये बात सच है वहाँ तो पेपर देंगे, लेकिन आपको यहाँ से आपको टाइपिंग का अपना आपको गेम जैसी टाइपिंग लगने लगेगी, आपको मज़ा आएगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ जैसे ये है, मैंने टाइपिंग टेस्ट यहाँ लिख लिया तो शुरुआत में एक जैसे ये खुल गई वेबसाइट, ठीक है, शुरुआत में ये वेबसाइट खुल गई। यहाँ देखो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, है ना। तो जैसे 1 मिनट के लिए मैंने ले ली यहाँ, और यहाँ आपको स्पीड भी दिखेगी। इसके अलावा आपको मैं एक और वेबसाइट बताऊँगा, वो मेरे को सबसे अच्छी लगी और उससे मेरी स्पीड बढ़ी थी। देखो टाइपिंग की, मैंने CGL मेंस के टाइम किया था टाइपिंग, अच्छी स्पीड आई थी मेरी, हो गई थी 35 की उस टाइम। और देखो ये है, ये क्या है, ये नाम है इसका livechat.com टाइपिंग स्पीड। तो ये है देखो, इसमें जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, एक मिनट, जैसे ये है, ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए शायद मेरी स्पीड इतनी ना आए, क्योंकि एक तरफ मोबाइल में भी मेरे ध्यान है। जैसे मैंने यहाँ कर लिया वेरी बाय 8, इसके बाद आपको यहाँ स्पीड भी दिखाएगा। तो यहाँ 25 की स्पीड इसमें अभी मेरी दिखाई है, क्योंकि मेरे आगे ये मोबाइल है ना, तो मैं अभी ये सही से कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल आगे रिकॉर्ड में रखा हुआ है इसलिए। तो देखो कि ये जैसे आपको यहाँ स्पीड दिखा देगा, तो यहाँ आपका है ना कम से कम आपके यहाँ 50 की स्पीड होगी ना, ये 25 की है, ठीक है, तो 45-50 की यहाँ स्पीड होगी, तो वहाँ आपके चांस बनेंगे टाइपिंग क्लियर करने, क्योंकि वहाँ ऑफलाइन पेपर देंगे और उसमें आपको क्या क्या करना होगा, मिनिमम यार 40+ तो आप रखो ही रखो इसमें, ये इस स्पीड से यहाँ वहाँ आपके क्लियर नहीं होने वाली टाइपिंग। तो ऐसे करोगे ना तो ये आपको देखो यहाँ गेम की तरह लगने लगेगा, यहाँ करोगे बार बार यहाँ 1-1 मिनट में, तो अब आप अच्छी स्पीड अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे ये है, तो यहाँ आप टेस्ट दे सकते हो, और उसके बाद में आपको क्या करना है, दिन में आधे घंटा 1 घंटा, जिसको बिल्कुल ही नहीं आती है ना तो वो इस पर करो, सॉफ्टवेयर पर बिल्कुल ही नहीं आती है ना जिसको, वो ज़्यादा करो सॉफ्टवेयर पर, नहीं सॉफ्टवेयर पर तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको बोरिंग फील होने लगेगा। तो यहाँ कोई बुक ले लो या फिर मटेरियल ले लो, या सॉफ्टवेयर में आप टाइपिंग छाप दो V8 ऐसे जो भी हो, आप यहाँ ऐसे सॉफ्टवेयर में छाप दो, उसके बाद में आप ये करने लगो। लेकिन स्पीड आपसे यहाँ ऑनलाइन करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और एक पेपर यहाँ पूरा छापो हो जाना, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये उन छात्रों को बताया मैंने, BASF HCM हो या CISF HCM हो, टाइपिंग इसमें हार्ड आएगी, आपको पेपर दे दिया जाएगा और पेपर का भी आपको ट्राई करना है, क्योंकि अभी मैंने ये बता रहा हूँ तो बहुत सारे छात्र ये भी कमेंट करेंगे कि ऑनलाइन वहाँ टाइपिंग आए नहीं, ये कैसे बता रहा हो, तो ये आपकी स्पीड के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से करोगे तो आपको स्पीड इंक्रीज़ होगी।
जैसे मैं एक चीज़ और खोलता हूँ, यहाँ देखो मैंने यहाँ ले लिया, मान लिया 10 मिनट ले लिया है, ठीक है। मीडियम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट हार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि पेपर में वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये आ गया, ये देखो, अब देखो यहाँ है ना, जैसे ये 10 मिनट की टाइपिंग है तो यहाँ सबसे पहले बड़ा वर्ड करना पड़ेगा, NASA, नासा, नासा भी गलत हो गया, ये देखो NASA, नासा रिसेंटली। तो कहने का मतलब ये सारा जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे छपता जाएगा, ये जैसे जैसे करोगे ये सारा छपता जाएगा और टाइम यहाँ आता आता जाएगा और लास्ट में आपको स्पीड दिखा देगा, रिजल्ट यहाँ शो कर देगा। ये सबसे कम समय में स्पीड बढ़ाने का आपको मैं बेस्ट तरीका बताया है, आप इसमें कर सकते हो और आपकी टाइपिंग स्पीड कुछ ही दिनों में अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जिनकी स्पीड नहीं है वो ऑनलाइन करो एक बार, और एक घंटा आप ऑफलाइन भी छापो, ऑफलाइन मतलब सॉफ्टवेयर में, पेपर में कोई पेपर ले लो, कुछ ले लो उस पर छापो। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बाकी और भी कोई आपका डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बैक स्पेस वगैरह वो है तो इसमें बैक स्पेस वगैरह सब अलाउड है, आपके ऑफलाइन जो होगी ना आपके पेपर दिया होगा उसमें आप पीछे ले सकते हो, जैसे यहाँ है ना कोई गलत हो गया तो आप पीछे इसमें ले सकते हो, ठीक है। और एक तो यार सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मैं आपको इतनी जेन्युइन जानकारी देता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, 90% देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये चैनल आपका फ़ायदा ही पहुँचाएगा कहीं ना कहीं,